हेलो एंड वेलकम गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो गाइज, मेरा नाम है तरुण अस्थाना और आप देख रहे हैं TSA GAMERS YouTube Channel। सो गाइज, आज मैं अपने चैनल पे करने वाला इस दूसरी अनबॉक्सिंग। सो गाइज, पहली अनबॉक्सिंग जो मैंने की थी वो थी एक क्यूब की, और गाइज आज मैं अनबॉक्सिंग करके दिखाने वाला हूँ मेरा एक बहुत ही बेहतरीन चीज़, जो कि आपको थंबनेल देख के पता चल गया होगा वो क्या होने वाला है। सो गाइज, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपको फर्दर गेमिंग वीडियोस में लाता रहता हूँ आपके लिए, इसलिए से आप सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको फर्दर गेमिंग वीडियोस, मेरे ऑसम गेमिंग वीडियोस देखने को फटाफट मिल जाए। सो गाइस, बिना किसी देरी के हम लोग के अनबॉक्सिंग वीडियो को। सो गाइस, इधर अब मैं ला रहा हूँ अपना एक बहुत ही बेहतरीन चीज़, जो कि है मेरा कॉशन ईच प्रो गेमिंग हेडसेट। ओके गाइस, आप देख सकते हैं इधर बहुत ही बड़ा डब्बा है, और इधर आप देख सकते हैं कॉशन का ये वाला गेमिंग हेडफोन है जो मैंने रिसेंटली ऑर्डर किया है अमेज़ॉन से। ओके गाइस, इधर आप देख सकते हैं, इधर लिखा भी हुआ है कॉशन ईच प्रो गेमिंग हेडसेट, और इधर इसकी लोगो दी हुई है। और ओके गाइस, तो ये है कॉशन ईच प्रो गेमिंग हेडसेट G20,000 एडिशन 2000। सो ये इधर आप देख सकते हैं, इधर सपोर्ट करता है मोबाइल, टैबलेट्स, लैपटॉप्स, और ये गेमिंग के लिए यूज़ होता है हेडसेट, गेमिंग के लिए यूज़ होता है, मतलब ज़्यादातर गेमिंग हेडसेट है इसलिए। और इधर आपको दो हेडसेट जैक मिल जाएंगे, एक ऑडियो जैक और एक माइक्रोफोन जैक मिल जाएंगे, और एक इधर आपको USB जैक मिल जाएगा जो कि LED लाइटिंग के लिए है। तो ये गाइस, अब ये तो हो गई बाहर की चीज़, अब इधर मैं थोड़ा इंस्ट्रक्शन पढ़ लेता हूँ। इधर आप पीछे देख सकते हैं, इधर भी ब्रांडिंग की हुई है कॉशन ईच की। इधर गाइस, इधर कुछ इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं, इंग्लिश में लिखा हुआ है इधर। सो गाइस, इधर प्रोडक्ट का पैरामीटर, मतलब इसका साउंड कितने तक, कितनी क्वालिटी, कितनी अच्छे तक, अच्छी क्वालिटी का है, वो सब दिया हुआ है, और हर एक लैंग्वेज में दिया हुआ है इधर। और सो गाइस, अब ये हो गया तो बाहर की चीज़ का, अब हम लोग इसको अनबॉक्स करना शुरू कर लेते हैं। ओके गाइस, जैसे ही मैं अनबॉक्स करता हूँ तो इधर मेरे को कुछ पेपर्स मिल जाते हैं, ये तो अमेज़ॉन की तरफ से है, तो इसको साइड में रख देते हैं। और ये है मैनुअल, ठीक है, कॉशन ईच गेमिंग हेडसेट का मैनुअल है ये, तो इधर से मतलब सब इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं मैनुअल बुक में, कि कैसे और कैसे यूज़ करना है, अच्छी तरीके से कैसे यूज़ करना है। सो ये सब हम लोग बाद में पढ़ेंगे। तो हम लोग का अभी मेन चीज़ जो आता है, वो आता है एक बहुत ही अच्छे से पैक किया हुआ गेमिंग हेडसेट। ओके गाइस, सो ये बहुत ही अच्छे तरीके से पैक हुआ है। सो गाइस, इधर से हम लोग इसको ओपन कर लेते हैं। ओके, तो गाइस ये देख सकते हैं आप कितना बड़ा है और कितना बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। और इधर आप देख सकते हैं, इसके साथ हम लोग को 2 मीटर लंबी वायर मिलती है, जो कि बहुत ही अच्छी क्वालिटी की है और जल्दी मतलब ख़राब नहीं होगी वायर। सो ये हम लोग को मिल जाता है, और ये मेन बात करते हैं कि हम लोग के हेडफोन्स के लिए, तो इधर हम लोग देख सकते हैं, इधर ब्रांडिंग की है कॉशन की, कॉशन ईच G20,000। सो इधर हम लोग देख सकते हैं, हम लोग को एक बड़ा सा माइक्रोफोन भी मिलता है, ठीक है। सो वो माइक्रोफोन इस साइज से ओपन होता है, आप देख सकते हैं बहुत लेंथ इसका बड़ा है माइक्रोफोन का। और मतलब मैंने देखा, जब मैं देख रहा था तो इसकी रिव्यू पढ़ रहा था, तो मैंने सुना था कि इसका माइक्रोफोन नॉइस कैंसिलेशन बहुत ही अच्छा है, मतलब बाहर की बैकग्राउंड की जो नॉइज़ है वो ये रिकॉर्ड नहीं करता, मतलब 80-70% ये नॉइज़ कैंसिलेशन, मतलब बाहर की जो बैकग्राउंड वॉइस है उसको कैंसिल कर देता है, और जो आपकी वॉइस है वही रिकॉर्ड करता है। सो ये तो बात हो गई हेडफोन्स की, मतलब माइक्रोफोन्स की। और हम लोग इसके वायर की बात करते हैं, तो वायर में इधर आप देख सकते हैं, इधर हम लोग को एक कॉशन ईच का मतलब इधर हम लोग को एक कंट्रोलर मिलता है, जिसमें आप देख सकते हैं इधर एक रोलर है, जिससे कि हम लोग साउंड को ऊपर नीचे कर सकते हैं। अगर साउंड कम करनी है तो इसको हम लोग नीचे भी कर सकते हैं, और साउंड बढ़ानी है तो उसको ऊपर भी कर सकते हैं। और गाइस, इसके साथ ही साथ इसके जस्ट साइड में आपको एक बटन भी मिल जाता है, जिससे कि आप माइक्रोफोन को ऑफ और ऑन कर सकते हैं। सो ये था इसका कंट्रोलर। अब हम लोग आगे चलते हैं, तो आगे चलते ही हम लोग को एक मिलता है तीन हम लोग को दो जैक मिलते हैं, और एक USB जैक मिलता है, दो ऑडियो जैक मिलते हैं और एक USB जैक। सो ये जो USB है वो इधर गाइस, इधर लाइटनिंग के लिए, इधर आप देख सकते हैं, इधर सब लाइटनिंग चलेगा,
माइक्रोफोन पे भी, और इधर लाइटिंग चलेगा वो मैं आपको अभी बताता हूँ। और आप देख सकते हैं इधर जो है ये है, और आई थिंक सो हाँ ये माइक्रोफोन जैक है, जिस माइक जो माइक्रोफोन है आपका उसका आवाज़ रिकॉर्ड करता है। और ये जो है वो है ऑडियो जैक, मतलब जो आवाज़ आएगी आपके स्पीकर्स में। सो गाइज इधर हम लोग का ये सब वायरिंग था। सो अब हम लोग आते हैं अपने मेन हेडफोन की तरफ। सो गाइज ये है मेन चीज़ जो कि है हेडफोन्स। सो इसकी जो बड़ी बात है, मतलब इसको आप कान में अटैच कर सकते हो। और ये जो कुशंस दिए इधर, कुशंस आपको दिख रहे होंगे, वो सब कुशंस मतलब आप अपने कानों पे लगाओगे तो आपको ये जो कुशंस है आपके कानों को पूरा कवर कर लेगा, जिसकी वजह से आपको बाहर की लगभग आधे से ज़्यादा मतलब लगभग पूरी साउंड कैंसिल हो जाएगी, से आपको अंदर की साउंड सुनाई देगी। सो के गाइस अभी इधर हम लोग को बड़ा करने के लिए हम लोग को इधर ये सिस्टम भी दिया हुआ है, जिससे हम लोग इसको बड़ा और छोटा कर सकते हैं। सो गाइस इधर आप देख सकते हैं, अगर आपका सर बड़ा है तो आप इधर से अपना एडजस्ट करके अपने सर पे लगा सकते हैं, ठीक है गाइस। सो और इधर आपको एक सॉफ्ट कुशन मिल जाता है, आप देख सकते हैं बहुत ही सॉफ्ट कुशन है, जो कि अब जब सर पे लगाओगे तो सर पे लगाने के बाद ये जो कुशन है आपको मतलब ये जो प्लास्टिक है वो आपको चुभेगा नहीं, और इधर आपको सॉफ्ट महसूस होगा। और बात करते हैं इसके फ्लेक्सिबिलिटी के। सो गाइस इसका फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा अच्छा है, आप देख सकते हैं इसको मैं कितना मोड़ रहा हूँ तो ये टूट भी नहीं रहा, मतलब बहुत फ्लेक्सिबल है, जल्दी टूटेगा नहीं। तो सो गाइस इधर आप देख सकते हैं इसके अंदर स्पीकर के अंदर ये है, मतलब स्पीकर के ऊपर एक नेट लगाया हुआ है, जो जिससे कि ये ज़्यादा दिन तक चल सकता है, मतलब ज़्यादा लॉन्ग ड्यूरेशन तक चल सकता है। और अब बात करते हैं इसके माइक्रोफोन की। सो इसका जो माइक्रोफोन है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, इसको मैं आपके वीडियो को एंडिंग में इसकी वॉइस सुनाऊँगा, मतलब इससे जो वॉइस निकलती है वो वॉइस को मैं आपको बताऊँगा, मतलब लगभग ज़्यादा से ज़्यादा वॉइस बाहर की बैकग्राउंड की वॉइस कैंसिल कर देता है, ठीक है गाइस। सो ये तो हो गई हेडफोन्स की बातें। अब गाइस मैं आपको इसकी LED लाइटिंग बता देता हूँ, मैं पहले अंधेरा कर देता हूँ, उसके बाद आपको इसकी LED लाइटिंग बताता हूँ कि मतलब कैसे ये चमकता है, कितना OP लगेगा, बहुत ही मस्त लगेगा LED लाइटिंग में। सो गाइस चलिए लाइट्स ऑफ कर देते हैं। ओके तो गाइज इधर मैं अपनी लाइटिंग ऑफ कर दिया हूँ, और आप देख सकते हैं सिर्फ मेरी कैमरा का फ्लैश चल रहा है, और आप देख सकते हैं कितनी मस्त अच्छे लग रहा है, मतलब बहुत मस्त लग रहा है इसका LED लाइटिंग। इधर आपको माइक्रोफोन पे भी लाइटिंग दिख जाती है। और गाइज अब बात करते हैं हम लोग इसकी प्राइस के बारे में। सो गाइज इसकी जो प्राइस है वो है करीब 1999 के रेंज में पड़ता है, जो कि वर्थ है, वर्थ प्राइस है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा हेडफोन है, आपको 999 में मिल रहा है, बहुत ही अच्छा गेमिंग हेडसेट है। और आप देख सकते हैं इधर आपको हर जगह लाइटिंग मिलेगी, जो कि बहुत अच्छा लगेगा। और अब बात कर लेते हैं इसकी माइक्रोफोन की क्वालिटी की। तो गाइज़ अब मैं जो अभी वॉइस ओवर करूँगा वो माइक्रोफोन से ही करूँगा। सो गाइज़ ध्यान से सुनना। सो गाइज़ जो अभी आवाज़ सुन रहे हो गाइज़, मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ अपने कॉशन ईच के माइक्रोफोन से, जो कि बहुत ही अच्छा माइक्रोफोन है, आप सुन ही सकते हैं, मतलब लगभग ज़्यादा से ज़्यादा नॉइज़ कैंसिल कर दे रहा है, बाहर का नॉइज़ जो कैंसिल हो रहा है, बाहर का वॉइस मतलब लगभग बैकग्राउंड वॉइस सब क्लियर हो जा रहा है। सो गाइज़ ये बहुत ही अच्छी चीज़ है, जो कि आप गेम खेलोगे तो आपको बहुत ही फ़ायदे में रहेगी, आपका आवाज़ मतलब बाहर बैकग्राउंड आवाज़ नहीं होगी और डिस्टर्बेंस नहीं होगा इतना। सो गाइज़ अब हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अभी आपने जो आवाज़ सुनी वो थी ये माइक्रोफोन की, तो मैंने जो सुना मतलब लगभग बहुत ज़्यादा जो बैकग्राउंड वॉइस रहती है उसको लगभग ज़्यादा से ज़्यादा कम कर देता है, जो कि बहुत ही अच्छा है अगर आपको वॉइस चैटिंग करनी है किससे, या तो अगर गेमिंग में वॉइस चैट कर रहे हो तो बहुत ही अच्छा है, मतलब बाहर का पूरा वॉइस कैंसिल कर देगा, जिससे कि नॉइस पूरा फैलेगा नहीं आपके गेम में, और आप स्मूथली अपना गेम खेल सकते हो बिना कोई डिस्टर्बेंस के। सो अब बात कर लेते हैं इसकी साउंड क्वालिटी को। सो कि गाइज इसका मैं साउंड क्वालिटी अभी चेक किया। सो गाइज इसके मेरे को ये चीज़ अच्छी लगी, जो ये जो कुशन है ना, कुशन आपको जो कुशन दिख रहे हैं वो कुशन मतलब जो ये अपने पूरे कान को ढक लेते हैं, जिसकी वजह से मतलब बाहर की वॉइस बिल्कुल भी नहीं आती हम लोग को, सिर्फ और सिर्फ अंदर की वॉइस सुनती है। तो गाइज मैंने इसका बेस वेस सब चेक किया कि इसका बेस कहाँ किस हद तक जा सकता है, मतलब कौन अच्छे से अच्छे गाने सुने जिसके बेस बहुत हाई है। सो गाइज इसमें भी ये बहुत ही अच्छा चला, बहुत ही अच्छा रिस्पांस दिया इसने मेरे को। सो गाइज मैं इससे तो बहुत ही खुश हूँ। अगर आपको भी परचेज़ करना है इसको तो गाइज लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन, यू कैन परचेज़ फ्रॉम
द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। सो गाइज बहुत ही मस्त लगा, फ्लेक्सिबल भी है पूरी तरीके से और बहुत ही मस्त है। अगर आपको परचेस करना है तो आप बिल्कुल परचेस कर सकते हो। अगर आपको गेमिंग हेडफोन देख रहे हो बजट में 1000 के अंडर में, सो गाइज ये बेस्टेस्ट है आपके लिए, मतलब आपके गेमिंग के लिए। सो गाइज आज के इस वीडियो में इतना ही गाइज। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो गाइज एक लाइक कर दीजिएगा, और अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। वही गाइज मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।